हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। मैं आपको जिलों के प्राचीन नाम, राजस्थान के जिलों के प्राचीन नाम के बारे में जानकारी दूंगा, जो आगामी परीक्षा CET, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, वन रक्षक, डिप्टी जेलर संबंधित सभी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं जिलों के प्राचीन नाम से। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का नक्शा। इस तरीके से अपना राजस्थान का नक्शा होता है, आकृति होती है विषम चतुष्कोणीय, जिसकी स्थलीय सीमा है 5920, उत्तर से दक्षिण की जो सीमा है 826, और पूर्व से पश्चिम में 869। तो हम आ जाते हैं योध्या क्षेत्र। योध्या क्षेत्र श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र होता है। इसे राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धे एवं शक्तिशाली कबीला था। योद्धे राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रहे। राजस्थान में योद्धे गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के भी सर्वाधिक प्राप्त हुए, एवं ब्रह संहिता रचयिता ब्राह्मीहि इनके पतन के बारे में चर्चा की है। एक ग्रंथ है ब्रह संहिता रचयिता उसके ब्राह्मीहि, जिन्होंने इस ग्रंथ के बारे में, इसके इनके पतन के बारे में जानकारी मिली है। जांगल प्रदेश जो बीकानेर, नागौर, जोधपुर उत्तरी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग, राजधानी थी इसकी अच्छत्रीपुर, वर्तमान का नागौर, ये जांगल प्रदेश के बारे में जानकारी थी। इसको रति रतिवाही भी बोला जाता है बीकानेर को, और बीकानेर की ऊन की मंडी है। जोधपुर में सर्वाधिक ऊंट उत्पादन होता है, और राजस्थान अछेत्रपुर जो नागौर का प्राचीन नाम है। अब आ जाते हैं हम सेकावाटी क्षेत्र। सेकावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू, सबको पता है सेकावाटी का मुख्यालय है झुंझुनू में। और अब हम आ जाते हैं मारवाड़ पे। मारवाड़ को रेगिस्तानी वाला एरिया कहा जाता है, पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता है राजस्थान के। तो मारवाड़ का प्राचीन नाम है मरु प्रदेश, और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। जोधपुर के जो इस जगह पर जोधपुर पड़ता है, यहाँ के आसपास का क्षेत्र है। हम आ जाते हैं अब डूडान पे। डूडान जयपुर का आसपास का क्षेत्र बोला जाता है। ढूंढान इस जगह पर है, उत्तरी पूर्वी दिशा में। जयपुर, अलवर, धौलपुर के क्षेत्र को ढूंढान क्षेत्र बोला जाता है। मेवात क्षेत्र, जो मेवात जो शब्द है वो मेव जाति के ऊपर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेव जाति की अधिकता है, इसलिए अलवर और भरतपुर जिले को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र, चौहान वंश, हाड़ौती क्षेत्र अपने कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, हम कोटा जिला के रहने वाले हैं। चौहान वंश के हाड़ा शाका ने यहाँ पे राज करा, इसलिए यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र का नाम है। हाड़ा जो शासक थे बूंदी में, उनका राजपाट था, और पूरे हाड़ौती क्षेत्र को उनके ही नाम पर रखा गया है। हाड़ा शासक के राज कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चार जिले सम्मिलित हैं, और इसमें संभाग है कोटा। कोटा वह संभाग है जो सर्वाधिक नदियों के लिए प्रसिद्ध है। मालव, जिसे मालवा या मालव भी कह सकते हैं। मालवों की विजय के अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में मिलता है। मालवों की जो विजय हुई थी उसका अभिलेख है नादसा भीलवाड़ा में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र था टोंक। इन्होंने मालव नगर बसाया, जो मालवों की राजधानी थी, जिसे वर्तमान में कोरक्रेटर नगर उनियारा ठिकारे का एक गांव भी कहते हैं। समझ में आया? चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। मेवाड़, मेवाड़ के बारे में जानकारी है कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम में सिवी जनपद है, जिसमें मेवाड़ में जो जिले आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और सिवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया था, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। मतलब सिवी जनपद के बारे में ऋग्वेद में भी जानकारी मिलती है। वागड़, वागड़ जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसे देवल व मेवलिया भी कहा जाता है। देवल या मेवलिया भी कहा जाता है। वागड़
बागड़, एक वागड़ है और एक बागड़ है। बागड़ जहाँ बाढ़ नहीं आती, पुरानी जड़ोल मिट्टी पाई जाती है, और सीकर, झुंझुनू, डीडवाना और कुछामन के क्षेत्रों में। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये नदियों के द्वारा बहाई हुई मिट्टी होती है, इसे जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, ऐसा ही नाम से बुलाया जाता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन की और जिप्सम की मात्रा अधिक होती है, और खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। यह सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुछामन के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। अपन राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के बारे में, प्राचीन नाम और क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मालवा क्षेत्र, ये वो मालव था, और ये मालवा क्षेत्र है जो इंदौर, झाबुआ, नीमच, रतलाम, मंदसौर, मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़, झालावाड़, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, हाड़ौती क्षेत्र के नीचे वाला हिस्से को मालवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे मालवी भाषा भी चलती है, यहाँ मालवी गाय भी फेमस है, मलाणी गाय, मालवी गाय। प्राचीन काल में अवंती था, जो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, जिसका उल्लेख 16 महाजनपदों में भी है। इसके दो भाग, उत्तरी भाग अवंती और दक्षिणी अवंती के नाम से प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र में दो भाग बहुत महत्वपूर्ण थे, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती, यह ध्यान रखना। प्राचीन काल में इसका उल्लेख 16 महाजनपदों में भी है। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर, हालांकि जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में भी आता है, बाकी अलवर भरतपुर को मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये मत्स्य संघ का भी निर्माण हुआ था वो राजस्थान के एकीकरण के समय, प्रथम चरण इसी का ही था। और इसकी जो मत्स्य संघ की राजधानी विराट नगर थी, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और महाभारत काल में इसकी राजधानी विराट नगर बेराट थी, है इम्पोर्टेंट है। और पांडवों का अज्ञातवास भी यहीं पर ही बिताया था। और बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत निकाय रचयिता आनंद कोसलायन से, और हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और ये मत्स्य जनपद राजस्थान में था। समझ आया? वेरी गुड, आप इसको याद करें। मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने विराट नगर बसाया। और इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री हुआन चांग ने भी किया था। सतपथ ब्राह्मण रचयिता यज्ञवल्क्य का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में अनेक बार कुरु, सूरसेन, अवंती, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती राजधानी महिष्मती, इन दोनों के मध्य नेत्रावती नदी बहती है, जो महाजनपदों के अंतर्गत आती है। समझे आप मेरी बात को? ध्यान रखें, कुरु महाजनपद, ये अलवर का उत्तरी भाग व राजस्थानी आधुनिक दिल्ली इंद्रप्रस्थी, यह दिल्ली से टच क्षेत्र था, जिसे कुरु, जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, यह कुरु महाजनपद है। यह अलवर के उत्तरी भाग, इसकी राजधानी दिल्ली, आधुनिक दिल्ली इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है ना। और सूरसेन महाजनपद, जो भरतपुर, धौलपुर, करौली और राजस्थान राजधानी थी इसकी, मथुरा एवं बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का वर्तन मिलता है। और 34वीं शताब्दी में पूर्व यूनानी लेखक सिकंदर के समय जनपद का उल्लेख किया है। इसमें आप देख सकते हो जूम करके कि ये सूरसेन, ये रहा सूरसेन वाला, इस नक्शे में इस वाले एरिया को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूरसेन और अर्जुन नयन, अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर भरतपुर के एक नाम नहीं, बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर भी आता है, मत्स्य जनपद के अंदर भी आता है, अर्जुन नयन की तरफ से भी आता है, भरतपुर सूरसेन महाजनपद के अंदर भी आता है। तो अर्जुन नयन में यह है कि अलवर भरतपुर अर्जुन नयन ने महालवों के साथ मिलकर विदेशी सत्रों को परास्त किया था, इसलिए इसे अर्जुन नायन कहा जाता है ना। और मांड के बारे में बात करेंगे, मांड, वल्लभ, दुर्लभ और जैसलमेर। मांड शब्द आपने पहले भी सुना होगा, जैसलमेर को आप जानते ही हो। मांड का ही मतलब होता है वीरान, सुनसान इलाका, इसलिए इसे मांड
बोला जाता है। और जैसलमेर से सुनसान जगह राजस्थान में कोई है क्या आपको पता हो तो? जैसलमेर में रेगिस्तान है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा भाई। और जैसलमेर को मांड वल्लभ व दुर्गल, बग्गल वल्लभ प्रदेश ही बोल सकते हैं, मांड भी बोल सकते हैं, दुर्गल भी बोल सकते हैं, जैसलमेर है ना। अब अपन आ जाते हैं गुजरारता, जो गुजरारता गुज्जर प्रतिहार का शासन व जोधपुर का दक्षिण भाग व भीलमाल जोधपुर भीलमाल जालोर और जोधपुर का दक्षिण भाग को मिलाकर गुर्जर प्रतिहार शासन क्या मिला है? राजस्थान के जितने भी मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली से ही निर्मित है ज़्यादातर मतलब। और मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्षेत्र बयावर अजमेर को कहा जाता है। मेरवाड़ा एक अपनी बटालियन भी थी किस, और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है अजमेर बयावर का है, अजमेर का ये क्षेत्र आप इसमें देख ही सकते हो। जम्बूकरण, केशवराय पाटन व आश्रम पाटन बूंदी व जम्मुक रीचों की भरमार थी। पहले जम्मुक में भालू रीच, रीच भालू को ही बोला जाता है, जो भालू के सिमिलर होते हैं, अलग ब्रीड, ये उसे कहा जाता है जम्बूकरण, मतलब केशवराय पाटन जो बूंदी में स्थित है। यहाँ पे केशवराय जी का बहुत विशाल मंदिर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। और गलता जयपुर, गलता आपने नाम सुना होगा, गलता जयपुर बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर त्रोहदी इसे कहते हैं, जयपुर का बनारस कैसे है, मंकी वैली भी इसको कहते हैं ना। गलता के रामानुज संप्रदाय में दक्षिण भारत में तोताद्री मठ की तरह पीठ है। ब्राह्मव्रत, ब्राह्मव्रत भारत में सरस्वती, भारत में सरस्वती और त्रिद्वंदी नदियों के बीच का क्षेत्र है। भारत में सरस्वती और त्रिशद्रति नदियों के बीच का क्षेत्र है। और यह मनुस्मृति में वर्णन मिला है कि महाभारत में विनाश विश्वन्म नामक स्थान पर सरस्वती नदी लुप्त होने का उल्लेख मिला है। नोट देखिए कि दशिदति आज यमुना का नाम है, मतलब जो ये जो शहर है, ये जो नाम है ब्रह्मवत्र क्षेत्र, ये सरस्वती और यमुना के बीच स्थित है। ये आप इतना सा ध्यान रखें, इससे ज़्यादा और क्या पूछ सकते हैं कंपटीशन लेवल पर, है ना। अब आ जाते हैं हम सीवी जनपद, हमने सीवी जनपद के बारे में आगे पढ़ा था अपन ने, मेवाड़ के क्षेत्र को सीवी जनपद कहा जाता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का क्षेत्र, राजधानी थी इसकी मध्यमिका, वर्तमान नाम है इसका नगरी चित्तौड़गढ़, और बेडच नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का स्थित है। मध्यमिका का उल्लेख महाभारत में मिलता है, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि है, और पलानी अष्टाध्यायी भी यहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, नगरी के नहर का अवशेष प्राप्त है नगरी में। ब्रजनगर, झालरा पाटन, झालावाड़, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, झालरा पाटन सिटी ऑफ वेल्स, इसे ब्रजनगर के नाम से संबोधित किया जाता है। सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर झालरा पाटन, यहाँ चंद्रभागा मेला लगता है। सपादलक्ष, चौहान वंश का क्षेत्र, अजमेर नागौर सांबर, सांबर चौहानों का गढ़, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया है ना, तो यह आपको जानकारी ध्यान रखनी है। एवं आज अपनी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पढ़ाई मेहनत करें और आगे बढ़े। जिलों का प्राचीन नाम,